जीडीए अवस्थापना निधि के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जीडीए अध्यक्ष व मंडल आयुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। अवस्थापना समिति की बैठक में 27 करोड़ 32 लाख की लागत से 15 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बजट से सड़कों व नालियों का निर्माण होगा तो शहर के विभिन्न हिस्सों का सुंदरीकरण भी किया जाएगा। लंबे समय से जल जमाव की समस्या का सामना करने वाले बुद्ध विहार पार्ट ए बी एवं सिद्धार्थ इनक्लेव के हजारों लोगों को राहत मिल सकेगी। जीडीए के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करने के बाद लोगों की सुविधा के लिए 15 परियोजनाओं की अवस्थापना निधि से पूरा करने की पहल की। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, जीडीए सचिव राम सिंह गौतम, मुख्य अभियंता पीपी सिंह, नगर निगम के मुख्य अभियंता सुरेश चंद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आदरणीय सभी सदस्यगण, आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण की अवस्थापना समिति की बैठक आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में मैं प्रारंभ करने की अनुमति आयुक्त महोदय से चाहता हूँ। 31 मार्च 2021 तक हमारे पास 31 करोड़ रुपए की धनराशि जो हमने अभी ट्रांसफर कराई है अपने अकाउंट को निर्माण करने के बाद लगभग 30 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है और उसमें इस वक्त जो हमने कार्य प्रस्तावित किए हैं वो 27 करोड़ 32 लाख 66 हजार 999 लाख रुपए के किए हैं। उन्हें अभी काम पर रहे हैं। चूंकि हमारे जो क्षेत्र हैं गोरखपुर विकास प्राधिकरण के, उसमें उनके निवासियों की जल भराव की, सड़कों की काफी समस्याओं की शिकायतें आती थी। आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में कि जनता को रहने के लिए राहत मिले, पहले जहां वो रह रहा है उसको राहत सबसे पहले दी जाए। पहले सिद्धार्थ नगर सिद्धार्थ एंट्रे विस्तार जो हमारी तारामंडल में एक योजना है उसके आवंटी काफी दिनों से परेशान है और वह है जल भराव और सड़कें उसकी काफी नीची थी। सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य है, 2 करोड़ 24 लाख रुपए सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर खर्च होगा और इसी योजना में दूसरा कार्य जो है एक टूटने का संभावना ज्यादा रहता है और वो सब लो लाइंग एरिया रहता है, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सड़क टूट जाता है। ठीक है, इसीलिए वो करा लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द लोड आप उसका डिजाइन सही तरीके से ठीक से करा लीजिए, जरूरत पड़ेगा तो आपको पीडब्ल्यूडी से भी डिस्कस करके उसमें जो लोड आएगा उसके हिसाब से आप प्लान कर लीजिए। जहाँ हैवी लोड नहीं है क्योंकि वो पर डिफरेंट टाइप ऑफ है कंस्ट्रक्शन, जहाँ हैवी लोड रहता है कुछ लोड जहाँ पे व्हीकल्स ज़्यादा मूव करेगा उसमें जो मानक के हिसाब से आप उसको ठीक अप करिएगा। फिर बिना कोई भी काम आप सड़क जितने भी अच्छा बनाएंगे वो इट इज यूजलेस। ठीक है, और नाली का निकासी लास्ट में ले जा करके उसकी स्लोप, ठीक है, ग्रेविटी के हिसाब से जितना पानी बरसेगा वो जो पानी नालियों में आएगा वो चला जाना चाहिए कहीं पर भी जाकर के बहुत बड़ा नाले में। ठीक है, नजदीक नाला कौन सा है देख लीजिए सर के हिसाब से। सर ये बिल्कुल जहाँ के बराबर से बन रहा है ये उसी में मिलाने का प्रस्ताव। ठीक है, आज एक ही और जो हमारी ये दीपावली है इसमें हमारे ऑफिस के ठीक सामने इसमें जरा सी बारिश होती है तो पानी पूरा भर जाता है सर। ठीक, और जो कि हमें ये दोनों एक साथ लिंक है 5 और 6, क्योंकि नाला जो हमारी वो कंस्ट्रक्शन पर डिजाइन कर रही है उससे कई गाँव के डिस्कशन होने के बाद उनका इंस्पेक्शन भी जिस आपको भी जो पार्ट ए बी व आम्रपाली सामने सर्विस रोड का उन्नीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, इसके साथ रोड के किनारे देवरिया बाईपास के समानांतर आरसीसी नाले का निर्माण,